और भी बोल रहे हैं, और भी बोल रहे हैं। साक्षी के केस की सीबीआई जांच करो, साक्षी के केस की सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच करो, साक्षी के केस की सीबीआई जांच करो, साक्षी के केस की सीबीआई जांच करो, साक्षी के दोषियों को अब की बार बस सीट कार्ड नहीं है, 2400 लाख के बाद दिल्ली तो पूरी होगी ना। अभी रुको, कोई दिक्कत ना, दिल्ली में तो बहुत रिश्ता आ गया। देशभक्त चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र वर्मा और आज हम झज्जर पहुंचे हैं, जहां पर एक 15 साल की लड़की के साथ दरिंदगी की जाती है। उसके बाद वो लड़की शर्मिंदा होकर फांसी लगा लेती है। और हमारे साथ जो है आज यहां पहुंची हैं आरती प्रजापति, बहुत ही फेमस रहती है सोशल मीडिया पे, और आज हम उनसे बात करेंगे। आरती जी, आप आज झज्जर पहुंचे हैं, क्या मैटर है, किस लिए आप यहां इकट्ठे हुए हैं, कब का ये मैटर है? देखिए, लगभग दो महीने हो गए हैं इस केस को, और पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है अभी तक। दिल्ली से बहुत सारे लोग आए हैं, बहादुरगढ़ से बहुत युवा हमारे आए हैं, अरमान प्रजापति अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं, और भी भाई दूर दूर से इस धरना में आए हैं, और कम से कम लगभग 1000 लोगों की तादाद थी हमारे, अब सारे लोगों की। ऐसे नहीं है कि प्रजापति समाज ही था, 36 बिरादरियों ने सपोर्ट करा है और समर्थन दिया है अपना, क्योंकि बच्ची के साथ, देखो बच्ची आपकी किसी भी समाज की हो, बच्ची तो बच्ची है। पूछो कब का मैटर है ये भाई? 10 फरवरी का है ये केस, 10 फरवरी हो गए हैं। और आपको बता दूं, ये लड़की स्कूल ट्यूशन से आ रही थी, 15 साल की लड़की थी, हाँ स्कूल से आ रही थी। तो जैसे ही दो लोग थे इसमें पहले, तो जब दो लोगों ने, ये लगा लो कि सुबह सुबह दारू पी रखी थी, ठीक है, सुबह का टाइम था और धुंध हो रही थी उस टाइम, जैसे ही, और दोनों बहनें ये साथ जा रही थी, ठीक है, एक 13 साल की लड़की थी, एक 15 साल की थी, जिसमें से 13 साल की लड़की ने कैसे भी करके अपने आप को बचा करके, उसने अपने आप को गाड़ी से उतर गई हैं वो, और जो 15 साल की लड़की थी उसको लेके गए हैं, और उसके बाद में दो लोग और युवा जो हैं बाहर से चढ़े हैं उस गाड़ी में, और 4 लोगों ने उसके साथ में गैंग रेप किया है और उस लड़की को वहीं फेंक दिया है। वो लड़की कैसे तैसे करके अपने घर पहुंची है, और उस लड़की ने, उसको लगा कि मुझे शायद मेरे को समाज नहीं जीने देगा या आस पड़ोस के लोग जीने नहीं देंगे, इस हालत में उस लड़की को कर दिया था। उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। जैसे उसके घर वाले आए तो उन्होंने देखा कि मेरी लड़की इस दुनिया में नहीं है, और आस पड़ोस के लोगों को जब बोला तो उन्होंने कहा, जब वहाँ की महिलाओं ने देखा, महिलाओं ने मेरे से बोला है कि उस लड़की के साथ रेप हुआ है, जब उन लोगों ने कपड़े उतार के उस लड़की के देखे थे तो उसके साथ रेप हुआ था, लेकिन कुछ वहाँ के दलाल लोगों ने बोला कि ऐसा करो, आपकी क्यों मिट्टी खराब कर रहे हो इस बच्ची की। और पुलिस प्रशासन ने भी, कई लोग थे उसमें पुलिस के जो लोग थे, उन्होंने भी बोला कि क्यों मिट्टी खराब कर रहे हो इस बेटी की, आप लोग ऐसा करो इसको दफना दो, ठीक है, और उसकी जांच भी नहीं करी और उस लड़की को जला दिया गया। मेडिकल, सिर्फ और मेडिकल, नॉर्मल मेडिकल जो होता है, हाँ, उसमें ना को तो कोई रेप केस था ना कुछ था, क्योंकि जो 4 लोग थे उनको सिर्फ और सिर्फ दबाने की, एक CRPF का जवान था जिसमें शामिल था, ठीक है, उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया पुलिस वालों ने।
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि उनको फांसी दी जाए और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा करके उसको न्याय दिया जाए। क्या मांग चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? देखो, एक तो सीबीआई जांच चाहते हैं हम लोग, उसकी सीबीआई जांच हो, और दूसरी चीज कि समाज पूरा 36 बिरादरी चाहती है कि जब तक यहाँ पर उस लड़कियों का फांसी नहीं होगी, उस लड़की के साथ में जब तक उनके दोषियों का फांसी नहीं होगी, जब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। एक बात बता दी, यहाँ पर एक तो सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, जब बेटी बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कहाँ से? सुरक्षा ही नहीं है बेटियाँ। आपको पता है 15-15 साल की लड़कियों के साथ में 5 महीने की 5 साल की बच्ची कितनी होती है? आज अभी यूपी में एक केस आया, इससे अभी आया, जस्ट 10 दिन हुए हैं उस केस को, 5 साल की लड़की के साथ में हैवानियत करी है और उसको लड़की को खेत में गाड़ दफना दिया गया है और 10 दिन में वो लड़की बरामद हुई है और उस लड़की के कम से कम हाथ भी नहीं थे, पैर भी नहीं थे उस लड़की के, और जब उसकी जाँच हुई तो रेप निकला। आप बताइए ना, कहाँ कैसे सेफ हैं बेटियाँ? सरकार को नहीं दिख रही है ये चीज़? हमारे साथ प्रियंका है, कहाँ से आप? सर, मैं रोहतक से हूँ, गांव का कराना, वैसे डिस्ट्रिक्ट मेरा रोहतक है। सरकार कहती है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने दिया है और